तो बच्चों फाइनली सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर एक लेटेस्ट सर्कुलर मेंशन किया गया है, इसे जब आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक्सेस कोड फॉर डिजी लॉकर अकाउंट के लिए क्लास 10-12 के स्टूडेंट को बता दिया गया है, जिससे वो मार्कशीट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, रिजल्ट ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या, ये चीज़ आप समझ लो, जब भी ये सर्कुलर रिलीज होता है उसके जस्ट बाद ही एक दो दिन के अंदर ही रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। तो 20 मई के बाद भी अपडेट है, लेकिन इस सर्कुलर से ये पता चलता है कि आपका रिजल्ट किसी भी टाइम अब आ जाएगा, 20 मई का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि ये जो सर्कुलर है हमेशा रिजल्ट से जस्ट एक दो दिन पहले रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्लास 10th एंड क्लास 12th के बच्चों को अपना रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उनको अपना डिजी लॉकर अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि एक्सेस कोड के जरिए ही बनेगा, जो कि 6 डिजिट में होगा। लेकिन एक्सेस कोड खुद बच्चे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, उनको स्कूल से प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है, स्कूल्स कैन फॉलो द बिलो मेंशनड स्टेप्स टू डाउनलोड द एक्सेस कोड फाइल फॉर देयर स्टूडेंट्स, यानी कि स्कूल वाले ही स्टेप को फॉलो करके एक्सेस कोड डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप 1 यहाँ पर मेंशन किया गया है, स्कूल विल गो टू द लिंक, इस लिंक पर वो जाएंगे स्कूल वाले, और स्टेप 1 कंप्लीट करके स्टेप 2 में वो क्लास 10th एंड क्लास 12th का एक्सेस कोड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 6 डिजिट में होगा और आपको अपने स्कूल से पता करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी आप डिजी लॉकर अकाउंट बनाओगे कैसे, इस टॉपिक पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, ठीक है, उसे आप देखकर बना सकते हो। और अकाउंट बनाने के बाद में आप अपना सर्टिफिकेट रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। और उसके बाद में यहाँ पर डिजी लॉकर अकाउंट कन्फर्मेशन प्रोसेस यहाँ पर मेंशन किया गया, स्टेप 1 स्टेप 2, यहाँ से भी आप स्टेप 1 स्टेप 2 देखकर समझकर खुद भी कर सकते हो, लेकिन एक्सेस कोड आपको अपने स्कूल से ही गेट करना पड़ेगा, जो कि आपको आपके स्कूल से मिलेगा, वो 6 डिजिट में होगा। इस प्रकार यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो स्टेप को देखकर भी आप सारी चीज़ें कंप्लीट करके आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट खुद ही बना सकते हो बिना किसी टेंशन के। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख लो और अपना डिजी लॉकर अकाउंट बना लो, ताकि आप कहीं भी एडमिशन लो तो जो सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड करोगे वो वहाँ पर मान्य होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, क्लियर है। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो हमेशा ध्यान रखना, ये सर्कुलर जब भी प्रोवाइड किया जाता है सीबीएसई की तरफ से, उसके जस्ट बाद रिजल्ट किसी भी टाइम रिलीज कर दिया जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। इसमें आपको किसी प्रकार की टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ये कन्फर्म हो गया है कि अब आपका रिजल्ट किसी भी टाइम आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रूफ होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी इसके बाद भी एक सर्कुलर जस्ट रिलीज होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। और जैसे ही रिलीज होगा मैं आपको फिर से प्रोवाइड कर दूंगा इन्फॉर्मेशन, इस प्रकार से आपका रिजल्ट शो होगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है, देख सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कॉमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।